हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल तारावती किचन्स में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम चल रहे हैं भिंडी और टमाटर की सब्ज़ी बनाने। तो रोज़ रोज़ एक ही तरीके से भिंडी की सब्ज़ी बनाकर फ्रेंड्स बोर हो गए होंगे, तो इस तरीके से एक बार ट्राई करें। भिंडी की सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनेगी। जो भी घर में नहीं खाता होगा वो भी भिंडी की सब्ज़ी खाने लगेगा फ्रेंड्स, और भिंडी की सब्ज़ी तो बहुत ही टेस्टी बनने वाली है। तो एक बार आप ज़रूर से ज़रूर इस तरीके से ट्राई करें, और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कमेंट करें, और चैनल को प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो करें। तो देखिए, सबसे पहले मसाला तैयार करेंगे। तो एक टीस्पून हम देखिए एक टीस्पून जीरा डाल दिए हैं, एक टीस्पून धनिया डाल दिए हैं, और एक टीस्पून सौंफ डाले हैं, और हम एक अदरक का टुकड़ा डाले हैं, 6 से 7 लहसुन की कलियाँ डाल दिए हैं, और गरी जो सूखी वाली होती है उसे हम थोड़ा सा डाल दिए हैं, बहुत ज़्यादा नहीं। देखिए, दरदरा सा एक मसाला तैयार किए हैं। इसी तरीके से मैं मसाला तैयार करना है, इस तरीके से मसाला तैयार किए हैं। फिर हम देखिए भिंडी को इस तरीके से अच्छी तरीके से धो के पोंछ लिए हैं, और पोंछ के इस तरीके से बीच से इसे कट किए हैं, किनारे का दोनों पार्ट निकाल दिए हैं। और देखिए, सरसों को ऑयल में बनाएंगे तो सरसों को ऑयल डाल दिए हैं। पहले हम भिंडी को 2 से 3 मिनट अच्छी तरीके से चलाते हुए फ्राई कर लेंगे। बहुत ज़्यादा हमें नहीं फ्राई करना है, बस हल्का सा हमें इसे सॉफ्ट होने तक फ्राई करना है। तो हम अच्छी तरीके से देखिए चला दे रहे हैं, 2-3 मिनट तक अच्छी तरीके से हाई फ्लेम पे इसे चलाते हुए फ्राई कर लेंगे। तो देखिए, इसी तरीके से भिंडी हमें चाहिए, तो बहुत ज़्यादा इसे नहीं एकदम पकाना है। इस तरीके से हो गई है तो हम निकाल लेंगे। देखिए, एक प्लेट में हम निकाल ले रहे हैं भिंडी को, निकाल लिए हैं। 2 टमाटर हम डाल दे रहे हैं, इसे भी हमें फ्राई कर लेना है उलट पलट के। और टमाटर का जो ऊपर का छिलका होता है उसे हम पहले ही छील दिए हैं। आप चाहें तो इसे फ्राई करने के बाद ही भी इसका छिलका निकल जाएगा आसानी से, तो आप उस तरीके से भी निकाल सकते हैं। 2 हरी मिर्च को डाले हैं, तो उलट पलट के हम अच्छी तरीके से इन्हें भी पका ले रहे हैं। जब तक ये पक रहा है तब तक हम मसाला तैयार कर ले रहे हैं। तो 3 टीस्पून दही, दही में ही मसाले को डालेंगे। तो देखिए, 3 टीस्पून दही डाल दिए हैं, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, और 1/2 टीस्पून देखिए लाल मिर्च पाउडर। सभी को अच्छी तरीके से मिला लेंगे। दही बिल्कुल खट्टी नहीं होनी चाहिए फ्रेंड। ये देखिए, अच्छी तरीके से हम चला दे रहे हैं, फ्रेश दही हमारी है। तो हम अच्छी तरीके से मसाले को मिला देंगे दही में, इससे हमारी दही जो है डालेंगे सब्ज़ी में तो बिल्कुल भी फटेगी नहीं। तो हम अच्छी तरीके से चला दे रहे हैं, इस तरीके मसाला को तैयार कर रहे हैं। तब तक टमाटर भी हमारा फ्राई हो जा रहा है। तो देखिए, उलट दे रहे हैं, एक साइड टमाटर भी हो गया है, तो दूसरी साइड भी हमें टमाटर को इसी तरीके फ्राई कर लेना है। तो बहुत ज़्यादा नहीं, इसे भी हमें 2 से 3 मिनट तक बस उलट पलट के फ्राई कर लेना है, ताकि टमाटर पक भी जाए और सॉफ्ट हो जाए बिल्कुल। बस उतना ही हमें इसे पकाना है। इसे सब्ज़ी में डालने में भी सब्ज़ी बहुत जल्दी हमारी तैयार हो जाएगी। तो हम टमाटर को इसीलिए फ्राई कर लिए हैं। अब जो बचा हुआ तेल है उसी में हम सब्ज़ी को बनाएंगे। तो सरसों को ऑयल में आप सब्ज़ी बनाएंगे फ्रेंड्स तो बहुत टेस्टी। देखिए, हम डाल दिए हींग को, 1 पिंच हींग डाले हैं। अब हम जो मसाले पीसे हैं दरदरा सा, उसे भी हम डाल देंगे सारा। जो मसाला तैयार किए हैं, जीरा, धनिया, सौंफ और लहसुन, अदरक को, उसे भी हम डाल दिए हैं। इन्हें मसाले को हम पकने तक भूनेंगे। तो देखिए, चलाते हुए भून ले रहे हैं अच्छी तरीके से। फिर 2 प्याज बारीक काटे हैं, उसे हम डाल देंगे। तो पहले मसाले को भून लेंगे। तो मसाला देखिए हमारा पक गया। अब 2 प्याज काटे हैं बारीक, उसे भी हम डाल दे रहे हैं। और प्याज को बिल्कुल हमें ब्राउन नहीं करना है, इसे भी हल्का सॉफ्ट होने तक ही भूनना है। तो चलाते हुए 2 से 3 मिनट अच्छी तरीके से हमें भून लेना है। तो देखिए, इस तरीके से हम भून लेंगे। इस तरीके से आप भिंडी की सब्ज़ी एक बार बनाएंगे फ्रेंड्स, तो अगर बड़े बच्चे कोई भी घर में नहीं खा रहे हैं तो सभी खाने लगेंगे, और सभी की फेवरेट बन जाएगी, क्योंकि सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बनती है। तो एक बार आप ज़रूर से ज़रूर इस तरीके से ट्राई करें। देखिए, प्याज भी बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है। अब जो मसाला हम तैयार किए हैं दही में, उसे भी हम डाल देंगे और चला देंगे अच्छी तरीके से। थोड़ा सा हम पानी डालेंगे, क्योंकि भिंडी में बाद में पानी नहीं पड़ता है, तो जो आपको थोड़ा बहुत डालना हो तो मसाले के साथ ही डाल के पका लें। तो देखिए, चला दे रहे हैं।
थोड़ा सा पानी भी हम ऐड कर देंगे अभी। तो देखिए चला दिए हैं अच्छी तरीके से, पानी डाल दे रहे हैं धो के। तो देखिए जो लगा था कटोरी में हमारे मसाला, उसमें हम पानी देखिए धोकर डाल दिए हैं। और थोड़ा सा और पानी हम हल्का सा ऐड करेंगे धोकर, ये देखिए डाल दिए हैं, क्योंकि पानी हमें बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना है। और सब्ज़ी डालने के बाद भिंडी जब डालेंगे तो उसके बाद तो बिल्कुल पानी ऐड नहीं करना है, जो पानी थोड़ा बहुत डालना है इसी मसाले के समय ही हमें पका लेना है। तो मसालों को पकने देंगे अच्छी तरीके से। ये देखिए मसाला हमारा पक रहा है, आप देख पा रहे होंगे। तो दही फ्रेंड्स हम मलाई डाले हैं, दूध की मलाई जो होती है ऊपर जमती है वही हम 2 चम्मच डाले हैं। और अच्छी तरीके से मलाई को भी हम पकने देंगे। तो चला दे रहे हैं, ये देखिए अब मलाई डालकर भी हमें 1-2 मिनट तक अच्छी तरीके से पकने देना है। फिर हम सब्ज़ी को ऐड करेंगे। ये देखिए चला दिए हैं, ढक देंगे, ढक कर हम पकाएंगे ताकि अच्छी तरीके से मसाला हमारा पक जाए। ये देखिए ढक कर हम पका लिए हैं, आप देख पा रहे होंगे। तो हम चला देंगे अच्छी तरीके से, फिर हम सब्ज़ी को डालेंगे। सब्ज़ी डालने के बाद हमें बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, बस 2 मिनट ही पकाना है, क्योंकि सब्ज़ी हमारी फ्राई है तो पकी हुई है सब्ज़ी, इसलिए हमें ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए सब्ज़ी हम डाल दे रहे हैं, टमाटर और भिंडी की जो फ्राई की हैं, और अच्छी तरीके से हम इसे चलाएंगे ताकि जो मसाला है हमारी सब्ज़ी में अच्छी तरीके से कोट हो जाए। तो हमें अच्छी तरीके मिला लेना है। ये देखिए इस तरीके चला दिए हैं। अभी हम गरम मसाला नहीं ऐड किए थे फ्रेंड्स, तो गरम मसाला डाल दे रहे हैं, 1 टीस्पून तक गरम मसाला को ऐड किए हैं। और चला देंगे, और नमक भी नहीं बिल्कुल ऐड किए हैं अभी, तो नमक स्वाद के अकॉर्डिंग नमक डाल दे रहे हैं, क्योंकि सब्ज़ी हमारी अब लगभग पक के तैयार ही हो गई है। तो 2 मिनट हमें और पकाना है, हमें ज़्यादा नहीं पकाना है, ढककर हमें 2 मिनट पका लेना है सब्ज़ी को। इस तरीके से सब्ज़ी बनाएंगे फ्रेंड्स, सभी पसंद करेंगे। तो एक बार आप ज़रूर से ज़रूर इस तरीके से ट्राई करें। ये देखिए 2 मिनट के लिए हम ढक दे रहे हैं सब्ज़ी को। और अगर हमारी मेहनत आप सबको पसंद आती है फ्रेंड्स, तो हमारे चैनल को प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक पे अगर देख रहे हैं तो फॉलो करें, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर लें फ्रेंड्स। ये देखिए चला दे रहे हैं, सब्ज़ी हमारी बन गई है, आप देख पा रहे होंगे। देखने से ही सब्ज़ी पता लग रहा होगा कि सब्ज़ी कितनी देखने से ही अच्छी लग रही है। तो सब्ज़ी फ्रेंड्स उतनी ही टेस्टी बनी है, और खाने में तो इसका कोई जवाब ही नहीं है टेस्ट का। तो ये देखिए आप देख पा रहे होंगे, तो इस तरीके से आप सब्ज़ी बनाएं फ्रेंड्स भिंडी की। अगर एक तरीके से बोर हो गए हैं आप, तो मिलते हैं नई रेसिपी नए वीडियो में। थैंक्स, बाय फ्रेंड्स।